नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल शिरोमणि सचिन। जानकारी दूंगा आपको पितृ पक्ष के विषय में। पितृ पक्ष जो कि श्राद्ध कहलाता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये जो श्राद्ध है ना, अपने पितरों के प्रति, अपने दिवंगत जितने भी बुजुर्ग हैं उनके प्रति आपकी आदर की भावना श्राद्ध है। यानी कि श्राद्ध ही श्रद्धा है, ये समझ के चलिएगा। लेकिन इस पितृपक्ष के दौरान आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये जो पितृपक्ष है 13 सितंबर 2019 से शुरू होगा। महल्ले जो ये महल्ले की जो पूर्णिमा है, इस पर ये जो श्राद्ध शुरू होगा। लेकिन इस पितृपक्ष के दौरान आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। ये जो सावधानियां हैं ये सभी चीज़ों को लेकर होंगी। सबसे पहले क्या सावधानी बरतेंगे, जब भी आप अपने दिवंगत बुजुर्गों के प्रति श्राद्ध निकालें, उनके प्रति अपनी आदर भावना व्यक्त करें, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले अपने घर के किचन को, अपने घर के रसोई घर को साफ सुथरा करिएगा, शुद्ध करिएगा। सारे इस्तेमाल होने वाले जितने जो बर्तन हैं उनको धोइएगा अच्छे से। जितनी भी सामग्री आप पितरों के लिए निकालेंगे, बनाएंगे, उनके लिए खीर बनाएंगे, पूड़ी हलवा बनाएंगे, जो जो आपके पितरों को पसंद है वही खाना आप श्राद्ध में उनके प्रति श्रद्धा दिखाते हुए बनाइएगा। अब ये जो संपूर्ण सामग्री आप तैयार करेंगे, सबसे पहले किसी ब्राह्मण की आप सहायता लीजिएगा और ब्राह्मण की सहायता से दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करते हुए अपने पितरों के लिए तर्पण कराइएगा। बहुत अच्छा रहेगा। बिना तर्पण के और बिना संकल्प के कराया गया भोजन कहीं ना कहीं विफल हो जाता है, कहीं ना कहीं लाभ नहीं मिल पाता, कहीं ना कहीं पितरों को नहीं मिल पाता। तो पितृपक्ष के दौरान इस चीज की आपको खास तौर पर सावधानी बरतनी है। इसके बाद जो भी उन्हें आप वस्त्र देंगे अपने पितरों के नाम से, उन वस्त्रों को इस तरीके की क्वालिटी, इस तरीके की किस्म खरीदिएगा कि वो जो आप अपने पितरों के नाम से ब्राह्मण देव को या जरूरतमंद लोगों को दे रहे हैं वो एकदम से अच्छी क्वालिटी हो। यानी ऐसा नहीं है कि आप एक फॉर्मेलिटी करें कि भाई मुझे तो अपने पितरों के नाम से दान देना है, और वह दान जो है आप कोई घटिया किस्म का कपड़ा या कोई बेकार सामग्री, हल्के किस्म की सामग्री आप दान कर दें, तो ऐसा दान नहीं कहलाता। चाहे आप थोड़ी दान करिए, थोड़ी सामग्री दीजिए, कम वस्त्र दीजिए, लेकिन अच्छा वस्त्र दीजिए, ताकि आपके पितरों के प्रति जो आपके मन में आदर भाव है वो उनको भी पता चल पाए कि आप अपने पितरों के प्रति, अपने पितरों के निमित्त कितनी श्रद्धा रखते हैं। एक चीज़ और, जब भी आप अपने पितरों के लिए कोई भी सामान निकालेंगे तो संकल्प के बाद ही आपको वो दान करना है। पितरों का जिस दिन भी आप अपने पितरों के, अपने दिवंगतों के लिए निमित्त जो है जब श्राद्ध करेंगे, तो पीपल के पेड़ के नीचे आपको दिया जरूर प्रज्वलित करना है। एक तांबे के लोटे में या स्टील के या चांदी के लोटे में गुड़ मिश्रित जल, उसमें थोड़ा सा काला तिल या उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी आप मिलाइएगा, और ये सामग्री जो है आप पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पण कर दीजिएगा। ऐसा करने से भी आपको बहुत लाभ होगा, ऐसा करने से भी आप जो है पितरों का आशीर्वाद पाएंगे, ऐसा करने से भी आपके ऊपर, आपके परिवार पर, आपके व्यापार पर हर तरीके से पितरों की कृपा जरूर होगी। लेकिन जब भी पितरों की कृपा आपको पानी है, अमावस्या का व्रत रख लीजिए। जब भी आपको पितरों की कृपा पानी है, घर में शांत रहकर, इस चीज़ की भी आपको सावधानी बरतनी है, जब भी आप अपने पितरों के लिए श्राद्ध निकालेंगे, उनके लिए जो है भोजन निकालेंगे, जब ब्राह्मण देव को या जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाएंगे, तो मौन रहकर आपको ये सारी प्रक्रिया करनी है। ऐसा नहीं है इधर उधर आपकी बातों में ध्यान हो और उसके बाद जो है आप अपना इधर उधर व्यर्थ का जो है बात करते रहें, ये बिल्कुल मत करिएगा। तो आपको पूर्ण रूप से शांत रहकर, शांत चित्त के द्वारा अपने पितरों के लिए भोजन सामग्री निकालनी है। किसी भी तरीके का पारिवारिक कलह कलेश पितरों को भोजन कराते समय, ब्राह्मण को भोजन कराते समय कोई भी पारिवारिक कलेश, वाद विवाद नहीं होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि आप शांत होकर पितरों को भोजन कराएंगे तो पितर इससे तृप्त हो जाते हैं। तो आज के विषय में इतना ही, फिर किसी नए विषय को लेकर आपकी सेवा में आऊँगा। तब तक के लिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।